तो गाइस इंस्टाग्राम पर हमने काफी सारे ऐसे अकाउंट चेक किए भाई, जिन अकाउंट पर 200 से ज्यादा रील्स वीडियो अपलोड हो चुकी है, और भाई काफी सारे अकाउंट ऐसे हैं भाई जिन पर 500 से ज्यादा रील्स वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन उनकी रील्स वीडियो वायरल नहीं होती है और ना ही उनके फॉलोअर बढ़ते हैं। अब गाइस ऐसा होता क्यों है भाई, किस लिए उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं और क्यों उनकी रील्स वीडियो वायरल नहीं हो रही है भाई, सिर्फ 100-200 व्यूज आते हैं और उसके बाद उनके व्यूज स्टक हो जाते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि भाई उनकी रील्स वीडियो पर 1000 व्यूज आते हैं, फिर 2000 व्यूज आते हैं, और इतने व्यूज आने के बाद व्यूज स्टक हो जाते हैं, व्यूज रुक जाते हैं, रील्स वीडियो वायरल होती नहीं है। और वहीं पर अगर देखा जाए इंस्टाग्राम पर काफी सारे अकाउंट ऐसे भी है भाई जिन अकाउंट पर 100 रील्स वीडियो अपलोड होती भी नहीं है भाई, 50 भी नहीं होती है, एंड भाई उनके फॉलोअर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे होते हैं भाई, उनके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करता हूं, एंड गाइस यहां पर आप देख सकते हो भाई ये मेरा अकाउंट है, एंड यहां पर आप देख सकते हो भाई लाइक फॉलोअर भी आ रहे हैं, और यहां पर आप इस अकाउंट को चेक कर सकते हो भाई, इस अकाउंट पर मैंने सिर्फ 2 महीने में 70,000 से ज्यादा फॉलोअर गेन किए, और गाइस सिर्फ फॉलोअर्स ही नहीं भाई इस अकाउंट पर सभी रील्स वीडियो वायरल है, ठीक है। आप चाहो तो भाई इस अकाउंट को चेक कर सकते हो, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं भाई फेक फॉलोअर डाल दिए होंगे बंदे ने एंड फेक व्यू डाल दिए होंगे, जिसको मतलब ऐसा लगता है भाई वो मेरे अकाउंट को आकर चेक कर सकता है, एंड मैंने यहां पर जेन्युइन तरीके से इस अकाउंट को ग्रो किया है, ठीक है। और गाइस ये चीज मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाई ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि काफी सारे बंदे भाई ऐसे सोचते हैं कि इंस्टाग्राम पर हम जितनी ज्यादा रील्स वीडियो अपलोड करेंगे उतनी ज्यादा हमारे रील्स वीडियो वायरल होने के चांस बढ़ जाएंगे, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अकाउंट पर कम रील्स भी है तब भी आपके अकाउंट पर रील्स वीडियो वायरल होती है, ठीक है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है अगर आप 100 रील्स वीडियो डालोगे उसके बाद ही आपकी रील्स वीडियो वायरल होगी, लेकिन हाँ एक चीज है कि आपको इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ता है और साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी गाइस अगर आप इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हो तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, अगर आप वो गलतियां करोगे तो आप इंस्टाग्राम पर कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, तो आपको वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो गलतियां क्या है सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में विद प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को सिर्फ लेकर एंड तक देखना तभी आपको समझ आएगा। और हाँ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले मिस्टेक की जो कि काफी ज्यादा लोग करते हैं। तो गाइस इंस्टाग्राम पर काफी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, जैसे ही वो रील्स वीडियो को अपलोड कर देते हैं, रील्स अपलोड करने के तुरंत बाद वो इंस्टाग्राम को बैक कर देते हैं, यानी कि मतलब कि यहां से इस तरह से उसको हटा देते हैं, ठीक है, एंड भाई उसको कुछ मिनट के बाद ओपन करते हैं, जो कि करना बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई, जैसे ही आप रील्स वीडियो को अपलोड कर देते हो तो भाई यहां पर आपको कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम पर रुकना होता है, यानी कि आप कुछ मिनट तक रुक सकते हो, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि मतलब आप पूरे दिन इंस्टाग्राम चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब रील्स अपलोड करने के तुरंत बाद यहां पर 10 से 15 मिनट या फिर जितने भी मिनट आप रुक सको भाई, 2-4 मिनट आप इसको कम से कम इतना कर सकते हो, रील वाले सेशन में आपको आना है, एंड यहां पर आपको भाई रील्स वीडियो को आप लोगों की लाइक कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आप मतलब लगातार रील्स वीडियो को लाइक करते जा रहे हो, मतलब कि ऐसा भी नहीं करना कि आप लाइक करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, अगर आप ऐसा करते हो तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि कहीं ना कहीं ये बोट काम कर रहा है, कोई इंसान नहीं है, ऐसे में आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। आपको मतलब 2 से 4 वीडियो को लाइक कर देना है, एंड यहां पर आपको कम से कम मतलब थोड़ा बहुत टाइम देना है इंस्टाग्राम को, कुल मिला के ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। काफी सारे लोग आपको ऐसा बताते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करते ही तुरंत इसको बैक कर दो एंड आपकी रील्स वीडियो वायरल हो जाएगी, ठीक है। ऐसा भाई कुछ नहीं होता, आपको रील्स वीडियो तुरंत अपलोड करने के बाद कुछ मिनट के लिए रुकना होता है भाई, जिससे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में आपकी रील्स वीडियो सेट हो जाती है, एंड वहां पर काफी ज्यादा चांस बन जाते हैं आपकी रील्स वीडियो वायरल होने के। अब गाइस बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की। गाइस सेकंड मिस्टेक ये है कि भाई काफी सारे लोग जैसे ही रील्स वीडियो को अपलोड करने के लिए जाते हैं तो भाई वो कहीं से भी हैशटैग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना गलत नहीं है, आप कहीं से भी हैशटैग को कॉपी कर सकते हो, बट गाइस उनमें से आपको कुछ हैशटैग चेक करने होते हैं, आपको ये चेक करना होता है भाई इनमें से कौन से हैशटैग बैन है। अगर आप बैन हैशटैग लगाते हो भाई ऐसे में आपका अकाउंट शैडो बैन भी हो सकता है भाई, जिसको आप लोग फ्रीज बोलते हो, यानी कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है अगर आप मतलब ऐसा करते हो, ठीक है। आपको ये चेक कर लेना भाई इनमें से कोई हैशटैग बैन तो नहीं है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई इनमें से कौन सा हैशटैग बैन है और कौन सा हैशटैग बैन नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली गूगल पर आना है, एंड भाई यहां पर मैंने आपको रील्स वीडियो में बताया था एंड इसमें बता रहा हूं, आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम बैन हैशटैग। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे उसके बाद यहां पर आपको कुछ हैशटैग दिखा देता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर कुछ हैशटैग यहां पर शो कर रहे हैं। आप यहां पर मोर आइटम पर क्लिक करोगे यहां पर आपको और भी हैशटैग दिखा देगा भाई जो कि बैन होंगे, तो आपको चेक कर लेना है जब भी आप हैशटैग लगाओ अपने रील्स वीडियो में कि इनमें से कोई हैशटैग बैन तो नहीं है। और इस चीज का तो आपको पता ही होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई, आपको जो ना हमेशा हैशटैग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लगाने, अपनी नीच के रिलेटेड लगाने भाई, जिस भी टॉपिक पर आपकी रील्स वीडियो है भाई उससे रिलेटेड ही आपको हैशटैग लगाने हैं। तो गाइस ये चीज भी आप समझिए। अब यहां पर बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की। तो गाइस थर्ड मिस्टेक ये है कि आप में से काफी सारे बंदे ऐसा करते हैं कि इंस्टाग्राम पर वो जैसे ही रील्स वीडियो को अपलोड कर देते ना उसके तुरंत बाद वो रील्स वीडियो पर क्लिक करते हैं एंड उसको भाई डायरेक्टली स्टोरी में शेयर कर देते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे ऐड टू स्टोरी पर, जैसे ही वो ऐड टू स्टोरी पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद वो डायरेक्टली यहां से स्टोरी में शेयर कर देते हैं, जो कि करना बिल्कुल गलत है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको स्टोरी लगाने का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लोग आपकी रील्स वीडियो को यहीं से देख लेते हैं एंड भाई ना ही आपकी रील्स वीडियो पर व्यूज काउंट होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या भाई, हमेशा जब भी आप स्टोरी पर लगाओ तो आपको स्टिकर पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है न्यू रील्स, ठीक है। जैसे आप ये सर्च करेंगे यहां पर आपको काफी सारे स्टिकर मिल जाते हैं एंड यहां पर आपको कोई भी सिलेक्ट करना है एंड इस तरीके से आपको हाइड कर देना है रील को, ठीक है।
आपको उस रील्स वीडियो को दिखने नहीं देना है कि आखिर उस रील्स वीडियो में आपने क्या किया है। अगर लोग आपकी रील्स वीडियो को यहीं पर देख लेंगे तो वो उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे, और ऐसे में अगर आप इसको हाइड कर देते हो स्टिकर के जरिए तो लोग इस पर क्लिक करके वो आपकी डायरेक्टली रील्स वीडियो पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो मैंने 70K की स्टोरी लगाई थी, एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टोरी है मतलब कुछ इस तरह से आपको लगानी है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने मतलब कि पूरी तरीके से इसको हाइड कर दिया है। अब जो भी बंदा हमारी स्टोरी को देखेगा उसको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जैसे उस पर क्लिक करेगा यहाँ पर वॉच फुल रील का ऑप्शन मिल जाएगा उसको, एंड यहाँ से वो आपकी उस रील्स वीडियो को देख सकता है। इससे क्या होगा भाई, आपकी रील्स वीडियो पर एंगेजमेंट भी बढ़ेगा, साथ ही आपकी रील्स वीडियो पर व्यूज भी बढ़ेगा, एंड वो चाहे तो उसको लाइक भी कर देगा, ठीक है। भाई बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की। काफी सारे बंदे इंस्टाग्राम पर ऐसा करते हैं, वो जैसे रील्स वीडियो को अपलोड कर देते हैं भाई, उस रील्स वीडियो पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से उस रील्स वीडियो का लिंक कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद भाई किसी भी रील्स वीडियो पर जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस भाई की रील्स वीडियो आ गई, एंड भाई इसे कमेंट में जाकर वो पेस्ट कर देते हैं और उनको लगता है कि हमारी रील्स वीडियो वायरल हो जाएगी। अगर आप भी ये सब करते हो ना भाई, ये सब चीजें स्पैम में आती है। ऐसा करने से आपकी रील्स वीडियो तो वायरल होगी नहीं, साथ ही आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाएगा, एंड उसके बाद आप अपने अकाउंट पर कितनी मेहनत करते रहना भाई आपकी रील्स वीडियो वायरल नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चाहो भाई नॉर्मल कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब किसी की रील्स वीडियो पर जाकर अपनी रील्स वीडियो का लिंक कॉपी करके नहीं पेस्ट करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो मैंने आपको बता दिया भाई, आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की, जो कि बड़े से बड़े क्रिएटर को रुला देती है, चाहे आपके अकाउंट पर लाखों में फॉलोअर्स हो या फिर आपके मिलियंस में फॉलोअर हो, उन लोगों से भी ये गलती हो जाती है, एंड बाद में उनको रोना पड़ता है, ठीक है। अब वो गलती क्या है, देखिएगा काफी सारे बंदे करते क्या है कि वो रील्स वीडियो देखते रहते हैं एंड उनके सामने कोई भी ऐसी रील्स वीडियो आ जाती है जो कि उनको पसंद नहीं होती है, या फिर उस रील्स वीडियो में उनको कुछ बुरा दिखाई दे जाता है या फिर बुरा लग जाता है जो कि मतलब वाकई में सही नहीं होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाते हैं एंड भाई कुछ भी मतलब ऐसा लिख देते हैं जिससे लोगों को डराया जाता हो, फिर धमकाया जाता हो, या फिर मतलब चौक वाली इमोजी छोड़ देते हैं, या फिर मजाक में कुछ गलत लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से उनके अकाउंट पर स्ट्राइक आ जाती है, जिससे उनके व्यूज भी डाउन हो जाते हैं एंड साथ ही उनके फॉलोअर भी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड भाई वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो भाई, इंस्टाग्राम भी आपकी नहीं सुनता, क्योंकि आपने गलती की है, चाहे आपसे भूल में हुई हो या फिर आपने मतलब जानबूझकर की हो, ठीक है, लेकिन गलती आपसे हुई है। इंस्टाग्राम ऐसे में आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, आपके अकाउंट से वो स्ट्राइक पूरे एक साल में हटती है, वन ईयर में हटती है, और भाई एक होती है रिकमेंडेड गाइडलाइन स्ट्राइक, ठीक है, वो हटती है 3 महीने में। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब गाइस बात करते हैं सिक्स्थ मिस्टेक की, जो कि नए क्रिएटर ज्यादातर करते हैं, यानी कि वो रील अपलोड करने के तुरंत बाद खुद से अपनी वीडियो को वॉच करते हैं, खुद से लाइक करते हैं, खुद से कमेंट करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब इनवैलिड एक्टिविटी में आता है, ठीक है। खासतौर से वो लोग भाई जिनके अकाउंट पर कम फॉलोअर्स है, 100-200 फॉलोअर्स है, अगर आपको रील्स वीडियो देखनी है भाई कैसी बनी है, या फिर उस पर वो टाइम बढ़ाना है, या फिर मतलब उस पर व्यूज लाइक देना है, तो भाई आप किसी दूसरे के मोबाइल से देख सकते हो, या फिर अपने अकाउंट में एक से ज्यादा अकाउंट बना लो भाई, उन अकाउंट से आप वॉच कर सकते हो, लेकिन आपको अपने अकाउंट से नहीं देखने, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके कम फॉलोअर्स होते हैं भाई। जब आपके अकाउंट पर ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं उसके बाद भाई अगर आप वॉच भी कर लोगे ना खुद से एक दो बार, पहली बात तो खुद नहीं देखता है बंदा, अगर आप देख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो है ना भाई आपसे पहले आपके फॉलोअर्स देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे में इंस्टाग्राम को पता ही नहीं चल पाता कि आप खुद से अपनी रील्स वीडियो को देख रहे हो, फिर आपके फॉलोअर्स देख रहे हैं, ठीक है। हाँ वो बात एक अलग है कि अगर किसी बंदे ने आपकी रील्स वीडियो पर कमेंट किया है तो आप उसका रिप्लाई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका इनवैलिड एक्टिविटी में नहीं आता है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं सेवंथ मिस्टेक की। ये मिस्टेक काफी सारे बंदे तब करते हैं जब वो नया अकाउंट बनाते हैं एंड उनके अकाउंट पर मतलब बहुत ही कम फॉलोअर्स होते हैं, तो वो लोग करते क्या कि दूसरों को फॉलो करते हैं एंड उसके बाद उसको अनफॉलो कर देते हैं, ठीक है। वो ट्रिक मतलब ड्रिल लगाते जाते हैं, डेली करते हैं इस काम को, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद होता क्या है कि इंस्टाग्राम को पता चल जाता है एंड भाई इंस्टाग्राम कुछ लोगों का अकाउंट तो सस्पेंड भी कर देता है, और ये चीज मैंने मतलब खुद प्रैक्टिकली की हुई है भाई, एक अकाउंट सस्पेंड हो गया था ऐसे ही करके, ठीक है। मैंने उस अकाउंट पर 2000 से ज्यादा फॉलोअर इंक्रीज कर लिए थे, बट क्या फायदा होता है, वो बाद में कम हो जाता है, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंट हम पुराने अकाउंट पर ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, कुछ नहीं होता इस सब चीज से। आप मतलब किसी को फॉलो कर रहे हो, फिर उसके बाद आप उसको अनफॉलो कर रहे हो एंड बाद में आप जिस रील्स वीडियो को अपलोड करते हो उस बंदे के सामने आपकी रील्स वीडियो जाती है, ठीक है। तो वो भी मतलब लालची होता है एक तरीके से, वो सबसे पहले आपकी आईडी पर जाकर ये देखता है कि इस बंदे ने मुझे फॉलो किया है या नहीं, और उसको जैसे ही पता चलता है ना कि इस बंदे ने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है, वो आपको तुरंत से अनफॉलो कर देता है। ऐसे में इंस्टाग्राम को लगता है कि इस अकाउंट पर जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है भाई इसमें दम नहीं है, तो इंस्टाग्राम उसको टेक डाउन कर देता है, आपका अकाउंट जो है ना भाई इस कंडीशन में शैडो बैन हो जाता है। ऐसे अकाउंट पर रील्स वीडियो वायरल होना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। अब यहाँ पर बात करते हैं एट मिस्टेक की। भाई जब तक आप ये करते रहोगे भाई तब तक आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा और ना ही आपकी रील्स वीडियो वायरल होगी, ठीक है। अब लोग करते हैं भाई अपने अकाउंट पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं और ना ही अपने रील्स वीडियो पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो को अपलोड करने के लिए जाओ तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपका कंप्यूटर कौन है एंड भाई आपके कंप्यूटर के अकाउंट पर जो आपकी जैसी रील्स वीडियो बनाता है उसके अकाउंट पर कौन कौन सी रील्स वीडियो वायरल है एंड भाई कौन सी रील्स वीडियो उसकी सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई इस वाले म्यूजिक पर उसकी रील्स वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है तो भाई आपको भी उसी म्यूजिक पर अपनी रील्स वीडियो को बनाना है एंड भाई आपको मतलब कुछ उस तरह का ही कैप्शन रख देना है भाई, थोड़े बहुत आपको चेंजिंग कर देनी है एंड भाई आपको हैशटैग भी कुछ उसी तरह के रखने हैं, ठीक है। अगर आप चाहो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग कर देना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस टाइप की रील्स वीडियो आपके सामने बार बार आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस चीज से पता लगा सकते हो जब भी इंस्टाग्राम पर कोई नया ट्रेंड आता है भाई उस टाइप की रील्स वीडियो आपके सामने
बार बार आती रहती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है चीज का। अगर आपके सामने बार बार कोई रील्स वीडियो आ रही है तो समझ लो वो भी ट्रेंडिंग में है, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत से उस म्यूजिक पर रील्स वीडियो बनानी है, ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है। अब गाइस बात करते हैं 9th मिस्टेक की। भाई इसकी वजह से भी आपकी रील्स वीडियो वायरल नहीं होती है। यानी गाइस होता क्या है कि इंस्टाग्राम पर आप अगर कोई रील्स वीडियो अपलोड कर रहे हो, भाई आपकी रील्स वीडियो में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपकी रील्स वीडियो में क्वालिटी नहीं होगी भाई, ऐसे में इंस्टाग्राम आपकी उस रील्स को लोगों को रिकमेंड नहीं करता है, ठीक है। जब भी आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करने के लिए जाओ तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और उसका फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है तो आपको भाई बैक कैमरे से अपनी वीडियो को शूट करना है, ठीक है, क्योंकि आपके फोन का बैक कैमरा फ्रंट कैमरे के मुकाबले में बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियो शूट करता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस चीज पर खुद से एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप अपने रील्स वीडियो को बैक कैमरे से शूट करते हो तो वहां पर काफी ज्यादा चांस रहते हैं आपकी रील्स वीडियो वायरल होने के। अब गाइस यहां पर बात करते हैं लास्ट मिस्टेक की। मैंने काफी सारे अकाउंट ऐसे चेक किए थे भाई जिन अकाउंट पर एक रील्स वीडियो वायरल हो जाती है, या तो उसमें लाखों में व्यूज आते हैं या फिर मिलियंस में व्यूज आते हैं, और उसके बाद वो जितनी भी रील्स वीडियो को अपलोड करते हैं भाई उनकी बाकी सब रील्स वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। आखिर ये चीज होती क्यों है और कैसे आप इसको सही करके अपनी रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो भाई देखिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है भाई जो भी आपकी रील्स वीडियो वायरल हुई है आखिर वो किस टॉपिक पर है। फॉर एग्जांपल अगर वो फनी है तो आपको फनी रील्स वीडियो बनानी है, वहां पर काफी ज्यादा चांस है कि आपकी रील्स वीडियो वायरल होगी, ठीक है। अगर आपकी फनी रील्स वीडियो वायरल हुई है या फिर आपका स्टेटस वायरल हुआ है, ऐसे में अगर आप अपनी रील्स वीडियो अपलोड करोगे ना तो भाई वहां पर वायरल नहीं होगी, ठीक है। आपको मतलब उसी टाइप की रील्स वीडियो बनानी होगी उस अकाउंट पर। कुल मिलाकर आपको अपने अकाउंट पर इसी चीज का ध्यान रखना है भाई, आपको अपने अकाउंट पर चेक करना है भाई आपके अकाउंट पर किस टाइप की रील्स वीडियो वायरल है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है वो फनी है या फिर सैड रील्स वीडियो वायरल है, ठीक है, तो आपको मतलब सैड ही रील्स वीडियो बनानी है। अगर आपको लग रहा है भाई हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भाई शायरी वाली रील्स वीडियो वायरल है तो आपको भाई शायरी ही अपलोड करनी पड़ेगी, शायरी ही वायरल होगी, ठीक है, और वो तुरंत से वायरल नहीं होगी। आपको इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ेगा तभी आपका अकाउंट ग्रो करेगा। अगर आप ऐसा करते हो आज आपने रील्स वीडियो अपलोड कर दी फिर उसके बाद आप मतलब हफ्तों तक रील्स वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो या फिर 10 दिन तक आप रील्स वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, आपको भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाएगा एक तरीके से, आप बोल सकते हो चाहे यूट्यूब चैनल हो या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट हो, भाई उसकी रील्स जो है ना डाउन हो जाती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है अगर आप ज्यादा रील्स वीडियो अपलोड नहीं कर सकते तो आपको दिन में कम से कम एक बार तो रील्स वीडियो को अपलोड करना है अगर आपका नया अकाउंट है। अगर आपका ओल्ड अकाउंट ग्रो नहीं कर पा रहा है तो आपको नया अकाउंट बना लेना है भाई, हो सकता है कि आपका नया अकाउंट ग्रो कर जाए, मगर आपको कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ेगा। एंड भाई आपको रील्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका पता होना चाहिए, अगर आपको वो नहीं पता मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने जितनी भी आपको इस वीडियो में गलतियां बताई है आप वो गलतियां नहीं करोगे एंड अपने अकाउंट को ग्रो कर पाओगे। और हां गाइस आपको एक चीज करनी है, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का जो भी यूजर नेम है भाई आपको उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ देना है, क्योंकि हम काफी सारे अकाउंट चेक करते हैं एंड भाई आपका भी अकाउंट चेक करेंगे भाई आप अपने अकाउंट में क्या गलतियां कर रहे हो, देखेंगे आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है, आगे किस लिए आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। एंड भाई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे कि आपको और क्या गलती नहीं करनी है। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।